हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल शुडवेयर। तो फ्रेंड्स, अभी करेंगे आपका 30 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में आरपीएफ कॉन्स्टेबल के पूछे गए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है, तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए एक बेसिक आइडिया लगा लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से मैथ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैथ का पैटर्न आपका किस तरीका से है, तो मुझे कल जो आपका 30 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन मिले हैं मैथ को, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आज के सेशन में वही सारे क्वेश्चन को देखेंगे, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन है, तो यहाँ पास मुझे टोटल जो क्वेश्चन मिले हैं वो आपका 9 क्वेश्चन मिले हैं, पूरे सेम टू सेम एग्जाम में जो आपका पूछे गए थे, ठीक है। तो वही क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आपका पेपर का पैटर्न पूछा जा रहा है, ताकि आप उस तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ कि पेपर का लेवल जो है वो फ्रेंड ईजी है, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो आप इजिली पूरा अच्छे से करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप से पूछा गया था, बोला गया था कि 100 में 75 को कैसे लिखा जाएगी, ठीक है, यानी 100 में 75 को कैसे लिखा जाएगी, यानी आपका ये क्वेश्चन आपका परसेंटेज से है। तो आप देखिए 100 में 75 को कैसे लिखा जाएगी, 100 में, बात को समझिएगा, 100 में 75 को कैसे लिखा जाएगी, तो बस 75/100 हो जाएगा यहाँ पास आपका। तो यहाँ से आपका ये 25 का पहाड़ में 3 बार में 25 का पहाड़ में 4 बार में, तो ये इसको कैसे लिखा जाएगा, तो ये बस 3/4 में लिखा जाएगा, सिंपल है। देखें इसको सिंपल से इस तरीके से सॉल्व करना था जिस तरीके से क्वेश्चन आपका बोला गया था। तो एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा गया था, और देख जैसे कि देख सकते हैं आपका परसेंटेज से क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि परसेंटेज से क्वेश्चन आपका अच्छा खासा बन रहा है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपका सिंपल सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया आपका, 1 से 50 तक की क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करें, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया था पूरा सेम टू सेम। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपका, 1 से 50 तक का आपको क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना है, मतलब आपका 1 से लेकर 50 तक का नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पास आपको पता है औसत क्या होता है, तो औसत होता है आपका पूरा नंबर का जोड़, अब बटा क्या होता है, जितना नंबर आपका होता है, क्लियर है। तो यहाँ पास मुझे तो पता है कि 50 नंबर आपके पास है, मगर आपका ये सभी नंबर का जोड़ क्या होगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका सम, मतलब आपका सम ऑफ नेचुरल नंबर का एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, क्या होता है आपका n ब्रैकेट में n प्लस 1/2, ये आपको क्या दे देता है, सम ऑफ जितना भी n नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि 1 से 10 तक का नेचुरल नंबर निकालना कि कितना सबका जोड़ होगा, तो आप ये फॉर्मूला में डाल के यहाँ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपसे पूछा था कि 1 से 50 तक का, ठीक है, क्रमागत संख्या यानी आपका पूरा लगातार में जो नंबर है, तो यहाँ पर देखिए अब आपका देखेंगे तो n आपका यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो आपका n यानी नंबर ऑफ, मतलब आपका जो नंबर है कितना है, तो 50 तक नंबर है, तो ये आपका 50 हो गया, यहाँ पास आपका n प्लस 1 ये आपका 51 हो गया, और यहाँ पास आपका क्या हो गया, 2 हो गया। तो बस ये आपको 2 से इसको काट देंगे तो ये आपका 25 हो गया, और ये 25 को इसे गुना कर देंगे तो 25 से कम 25 हो गया, और ये आपका 2 हो गया, 25 पचे 125 और 2 127, तो ये मेरा कितना निकल के आ गया, तो ये आ गया आपका 1275, क्लियर है। यानी आप 1 2 3 ये सभी को पूरा इस तरीके से जोड़ते जाएंगे तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 1275 हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग ये सारा निकाल लिए सभी का योग, तो अब मेरा औसत का क्या होता है फॉर्मूला, सभी का योग यानी मेरा 1275 आ गया, अब बटा आपका कितनी नंबर ऑफ संख्या आते हैं, यानी आपका 50 का पूछा था, तो बस सॉल्व कर लेंगे, तो 5 से काट लेंगे तो यहाँ पर 10 हो गया, 5 से आप काटेंगे तो ये आपका 25 हो चुका, और यहाँ 2 और 5, तो ये आपका आ गया 255, और 10 है बटा, तो ये आपका एक पॉइंट यहाँ लग जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25.5। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको बस फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देख लीजिए आपका वो ट्रेन से पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो ट्रेन के सब चैप्टर है वो आपका हर शिफ्ट में नहीं पूछा जा रहा है, किसी किसी शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, और यहाँ यहाँ पास आप लोग एक काम कीजिएगा, ये आपका थोड़ा गलत मुझसे लिखा गया था, यहाँ पास आपका लंबाई नहीं होगा, ये आपका गति होता, ठीक है, यहाँ पास आप लोग उसको सुधार सकते हैं। तो यहाँ पास आपका गति आपसे पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन में फिलहाल आपका क्या बोला गया था कि 120 मीटर लंबी ट्रेन किसी व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर में ज्ञात करें। तो यहाँ से आपसे पूछा है किलोमीटर में ज्ञात करें, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहाँ पास आपको स्पीड ही निकालने बोला है, यानी गति निकालने बोला है, तो अब देखिए डिस्टेंस मेरा क्या हो जाता है, तो यहाँ पास आपका खुद ट्रेन का लंबाई आपका डिस्टेंस हो जाता है, क्लियर है। तो यहाँ पास आपका डिस्टेंस मेरा क्या है, ट्रेन का, मतलब आपका ट्रेन का लंबाई तो 120 है, तो ये आपका 120 आ गया, और बटा टाइम, और टाइम कितना ले रहा था व्यक्ति को पार करने में, तो ये आपका 6 सेकंड ले रहा था, तो यहाँ पास मैंने 6 सेकंड लिख लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ गया आपका, ये 20 बार में इसको काट चुका, अब ये मेरा क्या आया, 20 मीटर पर सेकंड आया, ध्यान रखिएगा ये 20 मीटर पर सेकंड आया, क्योंकि यहाँ पास मेरा जो था वो अब मीटर में था उसका ट्रेन का लंबाई, और जो समय था वो आपका सेकंड में था, तो यानी जो मेरा गति आया वो क्या आया, 20 मीटर प्रति
सेकेंड। तो आपसे क्या पूछा है कि उसका गति बताइए किलोमीटर में, ठीक है। तो यहाँ पास आपको क्या करना है, तो यहाँ पास आपको चेंज कर लेना है। तो आपको जब किलोमीटर में करना है चेंज, तो क्या करते हैं हम लोग, गुना 18/5 से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास आपका 5 से 4 बार में कट गया, और ये चौके 8 चौके, ये आपका 18 चौके, तो ये आपका 72 हो गया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, और जैसे कि मैं आपको इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ पास आपको ट्रेन वाला दे दिया। एक एक टाइप का क्वेश्चन इस टाइप से बना हुआ था, मैं कल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये परसों की शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। उसमें डायरेक्ट आपको क्या दे दिया, कोई स्पीड दे दिया, जैसे कि आपको बोल दिया कि ये 36 मीटर प्रति सेकंड है, आपको बस ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया गया। आपको क्या बोला कि इसको किलोमीटर में प्रति एक घंटा में चेंज की थी, मतलब चीज कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन, 36 है यहाँ पास आपका, गुना 18/5, तो यहाँ आपको उसको सॉल्व करने का होगा, ठीक है। तो यहाँ पास मैंने आपको डाटा बस अपने से रख के बताया, यहाँ पास इसी तरीका से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिलहाल आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, किसी संख्या का दुगुना करने पर, 9 जोड़ने से तथा फिर 3 गुना करने पर 81 प्राप्त होता है, वो संख्या ज्ञात करें। तो देख लीजिए ये आपका अर्थमेटिक से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, आप क्या बोला जा रहा है, बात को समझिएगा। किसी संख्या को दुगुना करने पर, 9 जोड़ने से तथा फिर 3 गुना करने पर 81 प्राप्त होता है। तो चलिए हम उस संख्या को पहले मान लेते हैं। तो कोई संख्या है आपका, मैं मान लिया कि वो संख्या x है। अब जिस जिस तरीका से बोला है मैं उसी तरीका से करते चलता हूँ। तो बोला किसी संख्या को दोगुना करने पर, तो चलिए मैं ये संख्या को दोगुना कर लेता हूँ। तो इसको x का क्या हो गया, 2x हो गया। अब क्या बोला, करने पर 9 जोड़ने से तथा, फिर आपको 9 जोड़ने बोल रहा, तो चलिए मैंने इसमें 9 जोड़ दिया। अब क्या बोला, 9 जोड़ने से तथा फिर 3 गुना करने पर, तो अब 9 जोड़ने के बाद क्या बोल रहा है कि 3 गुना कर दो। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसको मैं 3 गुना करूँगा, तो यहाँ पर आपका गुना 3 हो गया। अब क्या बोल रहा है, 3 गुना करने पर 81 प्राप्त होता है, यानी ये जो मेरा नंबर क्या बोल रहा है, वो 81 बन गया। तो यानी सिंपल, यानी आपका ये, माफ़ कीजिएगा, ये आपका 2x प्लस 9, ये आपका 3, ये किसके बराबर हो गया, तो 81 के बराबर हो गया। तो बस सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पास आपका जैसे जैसे बोला है, तो यहाँ देखेंगे यहाँ से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 6x, यहाँ पास आपका 9 या 27 हो गया, और यहाँ पास आपका 81 हो गया, ठीक है। चूंकि यहाँ से आपका 27 यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये आपका, तो ये हो जाएगा आपका 54, ठीक है, और यहाँ पास इक्वल टू, और 6x आ गया। तो यहाँ पास आपका 6 फिर कट जाएगा, तो क्या आ गया आपका x का वैल्यू 9 आ गया, क्लियर है। यानी जो मेरा संख्या है वो क्या है, 9 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना सिंपल सिंपल टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, और ये आपका कल का ही क्वेश्चन है, पूरे एग्जैक्ट डाटा के साथ है, ठीक है। तो ये मुझे आप लोगों ने कई द्वारा मिला था, तो यहाँ पास बोलना चाहता हूँ जिसने भी क्वेश्चन भेजा था, तो मैं उसको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, ठीक है। और आप लोगों को भी एग्जाम होता है, तो आप लोग क्वेश्चन अगर शेयर करेंगे तो ही जाके मैं आप लोगों से बहुत क्लीन एनालिसिस कर पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पास जो भी क्वेश्चन मिलते हैं मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए अब आपका क्या बोला है, 70 रुपये की वस्तु 7 पैसे कम में बेची जाती है, तो कितने प्रतिशत का हानि होगा। देख लीजिए प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछा गया, और क्या बोला गया आपका, 70 रुपये का कोई वस्तु है जिसको 7 पैसे कम में बेची जाती है, तो आपसे पूछ रहा हानि कितना होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पास सिर्फ आपको समझने का चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो आपको वस्तु यानी जो क्रय मूल्य है वो आपका 70 रुपये है, ठीक है, और यहाँ पर जो बोल रहा है वो 7 पैसे कम में बोल रहा है। तो यहाँ पास आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो या तो पैसे को क्या कीजिए, रुपए में बदल लीजिए, या फिर आप रुपए को क्या कीजिए, पैसे में बदल लीजिए, ठीक है। तो घुमा फिर आपके आपका बात वही होने वाला है, यानी आपका 7 पैसे डायरेक्ट बोल दिया, 7 पैसे कम में बेची जा रही है, तो आपसे हानि प्रतिशत पूछ रहा है। तो 7 पैसे को यानी 7 पैसे का आपको घाटा लग रहा है, और अभी आपका कितना क्रय मूल्य कितना होगा आपका, तो ये 70 रुपये है। तो 70 रुपये को क्या कीजिएगा, पैसे में बदल लीजिएगा, क्योंकि ये आपका पैसे में है, तो आप पैसे में चेक करिएगा। ऐसा नहीं है कि आपका 7 पैसा है तो आप 70 रुपये में चेक करेंगे, तो फिर आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पास आप क्या करेंगे, रुपये को भी पैसे में बदल लेंगे, और आप जानते हैं 1 रुपये का क्या होता है, 1 रुपये का 100 पैसा होता है, यानी 70 रुपये कितना पैसा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से आपका 7000 पैसा हो जाएगा। यानी अब आपका बोला है वही 7 पैसे का हानि, मतलब आपका कम में बेची जा रही थी, तो आपका हानि क्या होगा, तो वही 7/7000 पैसे, और यहाँ पास आपका क्या गुना 100, क्योंकि हम लोग क्रय मूल्य में देखते हैं हानि प्रतिशत। तो यहाँ से आपका 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 7/70, 7 का पढ़ा में 1 बार और, तो ये आपका 1/10 आ गया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1/10 का, तो 0.1% का हानि हो रहा है, क्लियर है फ्रेंड्स। उम्मीद करता आप लोगों को समझ आया होगा, या तो फिर अगर आपको पैसे में बदलने का नहीं मन था तो आप इसको रुपये में बदल लीजिए। तो 7 पैसे को जब आप रुपये में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, रुपये में बदलेंगे तो यह 7 पैसा आपको रुपये में क्या होगा, 100 होगा। जब इसको आप बटा में बदलेंगे तो क्या आ गया, यानी आपका 0.07 रुपये, यानी आपको इतना का हानि, मतलब आपको हो रहा है, कम में बेचा जा रहा है।
तो अब इसको मैं किस आपको किस में देखेंगे, तो आपको क्राइम रूल में देखेंगे, तो ये 70 रुपये में आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ भी आप निकालेंगे तो आपका आंसर वही आने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से 0-0 कट गया और यहाँ से आपका क्या आ गया, यहाँ से देख सकते हैं ये आपका आ गया, कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका, तो ये 0.01 और गुना है आपका 10, तो आपका जब इसमें गुना करेंगे तो क्या आपका आपका आएगा, तो 0.1 ही आएगा, तो यानी 0.1% का हानि हो रहा है। क्लियर फ्रेंड्स, अब जिस तरीके से करेंगे तो आंसर आपका वही आने वाला है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब देख लीजिए आपका चक्रविधि ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ चक्रविधि ब्याज से क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में बन रहा है। तो यहाँ देखते हैं आपका किस तरीके से पूछा गया था। पूछा गया था आपसे कि 5% का वार्षिक दर से 3 सालों में चक्रविधि ब्याज 2522 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पास आपको क्या बोल दिया, चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का है और आपसे कभी 2 साल का पूछा जा रहा है या फिर 3 साल का पूछा जा रहा है या फिर एक किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी 6 माही वाला आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और उसके सिवा आपका कोई भी आपका यहाँ पर SCI का कोई और अलग पैटर्न नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पास आपका सिंपल सा सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये जो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन, आप इसको तरह तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ एक ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपको जिसमें प्रैक्टिस है आप उससे जल्दी सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पास आप, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पास आपका रेट है क्या, ये आपका 5% रेट दे दिया गया और समय दे दिया गया है 3 साल। तो आप एक तो पहले क्या कर सकते हैं, या तो आप पूरा 3 साल का पूरा ब्याज दर निकाल सकते हैं और वो आपका 2522 के बराबर हो जाएगा, तब वहाँ से मूलधन निकाल सकते हैं, जो मैं आपको इससे बहुत बार वीडियो में से पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ इस तरीका से। और या तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है आप इसको रेशियो मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, और तीसरा तरीका क्या है कि जो बेसिक सा फॉर्मूला होता है, जो आप लोग जानते होंगे P=1/R/100, यहाँ पास आपका T और ये आपका माइनस प्रिंसिपल, तो ये आपका दे देता है क्या, ये भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल कर दे देता। तो आप या तो ये फॉर्मूला पर डाल सकते हैं, तो यहाँ पास ये भी लेन दी हो जाएगा। एक मेथड आपको, आपका क्या बचता है, रेशियो। तो रेशियो से बनाएंगे तो भी आपका उसमें जल्दी ही बन जाता है मेरे हिसाब से, अगर आपका प्रैक्टिस है तो। तो मैं आप लोग एक काम कीजिए, रेशियो सीख सकते हैं यहाँ पास आपका। तो देखिए रेशियो से भी बना सकते हैं आप लोग, अगर जिन लोगों को पता है तो अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पास रेशियो से किस तरीके से बनता है आप लोग देख लीजिए, और रेशियो मेथड से आपका चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पास आपका ब्याज दर क्या है, तो 5% है। ठीक है, ये आपका 5% आपका है, तो इसको आपको क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना है, यानी आपका 100 से करना है, भाग देना है, तो ये आपका क्या निकल के आ गया, 1/20 आ गया। क्लियर है, यानी अब इसमें आपका क्या हो जाता है, ये जो 20 रुपये हो जाता है वो आपका हो जाता है मूलधन, समझ लीजिए इसको, आपको इसको आपको मूलधन समझना होता है, और जो ऊपर में रहता है 1 रुपया वो आपका क्या है, वो है आपका ब्याज। बात समझ गए, ये है आपका ब्याज। तो अब आपका जो आपका मूलधन और जो ब्याज होगा वो दोनों मिला के कितना होगा, तो 20 रुपये और 1 रुपये 21 रुपये हो गया, यानी ये मेरा पूरा आपका मूलधन प्लस ब्याज। तो अब देख लीजिए, अब आपको यहाँ पर क्या पूछा था, 3 साल के लिए पूछा था, अगर आपसे 2 साल पूछा जाए या 4 साल पूछा जाए, आपको करना एक ही प्रोसेस है। तो यहाँ से आपका 3 साल पूछा है तो क्या करेंगे, आपको इसका क्यूब निकाल लेंगे, यानी 3 बार गुना कर लेंगे, तो 20 का आप 3 बार गुना कर लीजिए, यानी आपका 20 गुना 20 गुना 20, तो यहाँ पर आपका 20 गुना 20 गुना 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये 8000 आ गया। ठीक है, यानी ये मेरा 8000 आ गया, और ये 8000 को मैंने क्या माना था शुरू में, ये मूलधन माना था, और ये 21 क्या है, ये 21 मेरा है मूलधन प्लस ब्याज, तो 21 का भी 3 गुना करना पड़ेगा क्योंकि ये 3 साल का पूछा है। तो 21 का जब क्यूब करेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये आपका 9261, तो ये आपका आ गया। अब आपके पास ये पूरा मूलधन है और ये आपका पास पूरा मूलधन प्लस ब्याज है, तो अब इसमें से आपको जो इसमें घटाएंगे तो ये क्या देगा मेरे को, ब्याज ही देने वाला है, तो यहाँ से आप इसको घटा लीजिए, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यानी जो मेरा ब्याज आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका 1261 आ रहा है, इसके हिसाब से जैसे मैंने माना था, और आपका क्या बोला था ब्याज, यहाँ पास आपका 3 साल का ब्याज, तो 3 साल का ब्याज है आपका 2522 रुपये, यानी ये मेरा किसके बराबर हो रहा है, ये रेशियो इसके बराबर हो रहा है, तो मेरा समझ सकते हैं आप लोग, यानी 1261 किसके बराबर है, 2522 के बराबर है। तो आपको क्या बोला था, मूलधन ज्ञात करें, यानी मेरे को 8000 का वैल्यू निकाल दीजिए, तो ये वाला देख सकते हैं, ये वाला इसके बराबर है, तो मेरा ये 1261 का जो आपका रेशियो है वो आपका 2522 है, यानी आपका एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसको आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, तो एक रेशियो का वैल्यू आ रहा है आपका 2, यानी एक रेशियो का वैल्यू आया आपका 2, तो जैसे आपका एक रेशियो का वैल्यू 2 आया तो आपसे मूलधन पूछा था, यानी आपका 8000 आपका रेशियो है, तो इसका मूलधन क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट 16000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास आपका ये खत्म होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, सिर्फ अगर आप समझ लेते हैं तो आप इसको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा समय एकदम भी नहीं लगेगा। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको लगता होगा कि थोड़ा समय लग रहा, अगर आप जहाँ समझ गए तो आप इससे 3 साल का 4 साल का 2 साल का जितना भी साल का बना सकते हैं इस तरीका से। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिलहाल आपका बढ़ते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या बोला है कि 200 का 5%
का 5% होगा, यानी आपसे पूछा था कि 200 का 5% का 5% क्या होगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन है और परसेंटेज से क्वेश्चन है। तो क्या आपका सिंपल है, या 200 का 5% बोला यानी 5/100 कर लीजिए, या फिर आपका 1/20 कर सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में, और फिर इसका क्या बोला, इसका भी 5%। तो बस ये आपको डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पास आपका 0020 कट गया आपका, या 5 2 10 आ गया, ठीक है 10 आ गया, तो मैं 1 0 कैंसिल कर दे रहा हूँ, और 5 का पाड़ा में 1/2, तो ये आपका क्या आया घुमा फिरा के 0.5 आया, ठीक है। यहाँ पास आपका जिस तरीका से भी ऑप्शन होगा, 1/2 होगा तो 1/2 मारिए, और 0.5 होगा तो 0.5 होगा, क्लियर है, उम्मीद करता है ये भी आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, आपका ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ क्या बोला आपका, 20,000 रुपये का साधारण ब्याज दर से 20 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो इसका 4 गुना कितने वर्ष में होगा। तो देख लीजिए फर्स्ट चैप्टर का, यहाँ आपका साधारण ब्याज से भी क्वेश्चन पूछा गया था, और सिंपल सा पूछा गया है, क्या बोला गया आपका, 20,000 रुपये साधारण ब्याज के दर से 20 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, आप इसको डायरेक्ट आपका दिमाग से भी बना सकते हैं। क्या बोला जा रहा है 20,000 रुपये, ठीक है, यहाँ पास मैं 20,000 रुपये आपका क्या बोल रहा है, वो आपका 40,000 रुपये हो जा रहा है, सिर्फ समझिएगा 20,000 से 40,000 हो जा रहा है कितने वर्ष में, तो ये आपका 2 गुना हो रहा है 20 वर्ष में, यानी वो 2 गुना हुआ सिर्फ 20 वर्ष में, तो आपसे पूछा है कि वो 4 गुना कितने वर्ष में होगा। तो बस सिंपल सा यार, जब आपको पता चल गया कि वो आपका जो आपका राशि है वो आपका 2 गुना हो जाता है 20 वर्ष में, तो आपका 3 गुना कितना में होगा, तो फिर से 20 वर्ष में लगेगा उसको समय, फिर 3 गुना से जब 4 गुना होगा तो फिर कितना लगेगा, तो फिर 20 समय लगेगा, तो जब आपका 20 गुना से जब 4 गुना मतलब कर दिया तो कितना लगा, 20 साल, तो यानी यहाँ पास क्या आ गया, टोटल आपका 60 साल लगेगा, ठीक है। यहाँ पास आपको कोई पेन पेपर का यूज़ करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, और ये आपका चक्र मतलब आपका माफ़ कीजिएगा, ये आपका साधारण ब्याज में चल रहा था, तो यानी आपका हर साल आपका वो मतलब आपका पैसा को 2 गुना कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास आपका 20 साल, तो पहले 20 से 40 हुआ, 2 गुना 40 मतलब आपका 2 गुना हुआ 20 साल में, 3 गुना होगा फिर 20 साल में, और 4 गुना होगा फिर 20 साल में, तो तीनों को मिलाकर यहाँ पास आपका 60 साल ही आने वाला, क्लियर है। और यहाँ पास अगर बात करें, अगर आप सोचते हैं कि कुछ फॉर्मूला वर्मूला टाइप से मिल रहा था, तो आप इसको फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पास आपको रुपये दे दिया गया और आपको साल दे दिया गया, तो आपको पूछा कि 2 गुना हो जा रहा, तो आप पहले क्या कर सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं। तो रेट किस तरीके से निकालेंगे, रेट आप पता कर लीजिए, तो रेट निकालने का फॉर्मूला होता है कि आपका, ठीक है, ये इस क्वेश्चन के लिए वैलिड होता है। रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जितना गुना ये पैसा हो रहा, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स जितना ये गुना हो रहा, -1 ये आपका 100, ठीक है, अब बटा क्या, तो ये कितने साल में आपका हो रहा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, मैं आपको हर तरीके से बता रहा हूँ, जिस तरीके से आपको समझ आता है आप उस तरीका को अपना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका पहले क्या करेंगे, तो आपको बोला था 20 वर्ष में वो आपका 2 गुना हो जा रहा, तो पहले आप यहाँ से रेट निकाल सकते हैं कि कितना रेट में वो आपका पैसा बढ़ रहा, तो देखिए रेट क्या हो जाएगा, तो ये आपका एन टाइम्स हो जा रहा था, मतलब क्या बोल रहा था 2 गुना हो रहा, तो 2 गुना मतलब क्या, 2 - 1 तो कितना आ गया, 1 आ गया, तो 1 × 100 क्या हो गया, तो ये 100 ही हुआ घुमा फिरा के, और 100 बटा ये टी क्या था, टाइम था, समय, तो ये आपका 20 वर्ष में हो रहा था, यानी 20 को काटे तो 5, यानी जो मेरा रेट आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, तो 5% का रेट से बढ़ रहा है वो पैसा, बात समझ गए। अब आपको यहाँ पास आप क्या बोला है, आपको 4 गुना बोला है, तो या तो आप डायरेक्ट उसको फॉर्मूला में डाल सकते हैं, या तो फिर आपको क्या करना है, देखिए या तो देखिए यहाँ पास आपका क्या फॉर्मूला था, ये आपका ये देखिए रेट टाइम, ये आपका कितना गुना हो रहा है ये, तो आपसे क्या पूछा है यहाँ पास कितना वर्ष में, तो देख लीजिए आपको ये फॉर्मूला को आप यहाँ करके, आप फिर यहाँ से करके, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यानी अब की बार जो मेरे को बोला है कितना समय लगेगा, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर आपका एन माइनस वन, ये 100 और बटा क्या हो गया आपका, ये आर आ गया। अब यहाँ पास आपका एन क्या हो जाएगा, तो बोला है 4 गुना, यानी 4 - 1 तो क्या आ गया आपका 3 आ गया, ये आपका गुना 100 आ गया, ठीक है, और ये आपका क्या आ गया फिर बटा आर, आर क्या हो जाएगा, तो आर मेरा क्या है, रेट अभी मैंने निकाला 5% का, तो बस बटा 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, 20 आ गया, तो 20 × 3 तो 60 ही आएगा। घुमा फिरा के जिस तरीका से बनाना है बनाइए, आंसर आपका 60 मतलब आपका 60 समय 60 ईयर लगेंगे बस लगेंगे, क्लियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ आया होगा। तो ये सब आपका जिस तरीका से आपको बनाने का मन करता है बनाइए, ठीक है, बस मगर बना के आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका, तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। देख लीजिए आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन फिर से पूछा गया, फर्स्ट चैप्टर में 2 क्वेश्चन पूछा गया था प्रॉफिट लॉस का, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। तो यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल सा, 2 वस्तु को 199 रुपये, ठीक है, यहाँ पास थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है कि 199 था या फिर 200 था, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो यहाँ पास आपका बाकी क्वेश्चन सब कुछ सेम टू सेम है, यहाँ पास क्या बोला आपका, 2 वस्तु को 199 रुपये में प्रति बेचता है, तथा 1 वस्तु में 5% का हानि तथा दूसरे वस्तु में 5% का लाभ होता है, पर तो लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो आपसे क्या पूछा कि आपको दो कोई 2 वस्तु है जो कि आपका 199 रुपये करके प्रति बेच रहा है,
अब आपसे बोल रहा है एक वस्तु में उसको 5% का हानि हो रहा है और एक वस्तु में उसको 5% का लाभ हो रहा है, तो आपसे पूछ रहा है उसको ओवरऑल लास्ट में उसको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है उसको प्रतिशत में बात करें। तो सिंपल सा फ्रेंड क्वेश्चन है, अगर आपने अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनाया तो आपको ही पता है यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखना होता है। क्या देखना होता है आप ध्यान दीजिएगा, इसका दो कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड्स, ये आपका प्रॉफिट लॉस में, ठीक है। यहाँ पास आपको एक चीज़ देखना होगा क्या कि जो वस्तु है वो क्रय मूल्य आपका बराबर है या विक्रय मूल्य बराबर है, ठीक है। अगर आपका विक्रय मूल्य बराबर है तो हमेशा इस केस में क्या होता है घाटा ही होगा उस व्यक्ति को, बात को समझ गए। अगर विक्रय मूल्य आपका बराबर है तो हमेशा उस व्यक्ति को घाटा होगा, इस चीज को आप लोग पूरा ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। अगर कभी क्रय मूल्य अगर आपका बराबर है तो फिर वो घाटा भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पास आप नहीं बोल सकते, तो यहाँ वाले क्वेश्चन अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पास आपका विक्रय मूल्य बराबर है, क्योंकि क्या बोला दो वस्तु को 199 रुपये में प्रति बेचता है, तो मतलब आपका जो SP है वो क्या है दोनों जगह बराबर है, तो यानी इस केस में क्या होगा इस व्यक्ति को घाटा ही घाटा होने वाला है। तो यहाँ पास आपका क्या हो जाएगा, तो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, ठीक है। जब आपको पता चल गया घाटा ही होता है तो यहाँ पास क्या हो जाता है फॉर्मूला, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका रेट, पहला रेट, ठीक है, पहला रेट इंटू दूसरा रेट बटा 100, बस ये आपका यहाँ से आपका ये निकल जाता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला ये निकाल के दे देगा कि कितना इसको घाटा हुआ है। तो यहाँ पास आपका पहला रेट क्या बोल रहा था, वो आपका 5% का हानि बोल रहा है, यानी आपका हानि बोल रहा है, तो यहाँ पास आपका क्या होगा ये -5, ठीक है, क्योंकि हानि है, और ये गुना, और यहाँ पास आपका रेट क्या हो जाएगा आपका दूसरा रेट जो है तो वो आपका 5 है, तो ये भी आपका 5 हो गया, +5 में, तो ये आपका क्या हो गया 5-5 और बटा 100, तो ये आपका 5×5=25 हो गया, 25/100, तो यहाँ पास आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया आपका, तो ये आ गया आपका 0.25, यानी 0.25, और ये माइनस में इसलिए आपका पता चल रहा है, इससे आपका इंडिकेट कर रहा है कि ये आपका घाटा हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.25% का हानि हो रहा है। क्लियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता आप लोगों को समझ आया होगा। अगर वही क्वेश्चन में अगर आपको बोल दे कि आपका वो क्रय मूल्य आपका बराबर था तो यहाँ पास अब दो वस्तु का, तब आप यहाँ पास ये फॉर्मूला आपका फेल हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है वो आपका सिर्फ विक्रय मूल्य के लिए ही है, ठीक है। और यहाँ पास आपका चूंकि क्या बोला था लाभ और हानि प्रतिशत में ज्ञात करें, तो यहाँ पास आपका 199 रुपये वाला का जरूरत ही नहीं है। अगर आप बेसिक से बनाएंगे ना तब आपका इसका जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ से आपको बेसिक से बनाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपको अगर पता होता तो आप रेट इंटू रेट बटा 100 कर लेते। अब यहाँ पास आपका 5-5 दिया है, अगर आपका 5-10 दे, 10-5 दे, जो भी दे, आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। और कभी कभी क्वेश्चन में आपको बोल देता है क्या कि आपका कोई व्यक्ति है वो एक ही क्रय मूल्य में वो दो सामान खरीद के लाता है, एक ही क्रय मूल्य में आपका वो दो सामान लेके आता है, मतलब क्रय मूल्य दोनों जगह आपका समान रहता है, अब उसके बाद वो बेचता है, एक में घाटा होता है एक में आपका फायदा होता है, तो वहाँ वाले केस में आपका प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, ठीक है। मगर जब भी अगर बोल दे विक्रय मूल्य बराबर है आपका, तब फिर उसके बाद क्या होगा घाटा ही घाटा होगा, तो यहाँ पास इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं रेट इनटू रेट टू। क्लियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग समझ आएगा। और आप लोग से इस तरीके से क्वेश्चन आपका फिर पूछा जाएगा तो आपको बस यहाँ पास ये कर लेना, ठीक है। देखा आपने इसको 5 सेकंड का 10 सेकंड से जाए आपका ज़्यादा बड़ा मैथ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसको इस तरीके से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो मुझे मिले थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर आप लोगों का भी आने वाले समय में एग्जाम है तो फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इससे और लोगों को फायदा होता है, ठीक है। अगर आप मुझे जितना अच्छा से क्वेश्चन बताते हैं मैं उतना ही स्मूथ एनालिसिस करता हूँ, अगर आप मुझे क्वेश्चन ही कम बताएंगे तो फिर आप कहाँ से मैं आपको एनालिसिस करा पाऊंगा, ठीक है। तो बस आप लोग थोड़ा सा एग्जाम देने के बाद आप क्वेश्चन मुझे शेयर कीजिए, मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग बस ऐसी प्रैक्टिस करते रहिए। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। यदि हमारे चैनल पहली दफा आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।